हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंघाटिया, और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे दो चैप्टर्स कर चुके हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जी, वेक्टर। देखिए, हम जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, ये चल रही हैं हमारी ग्रेड सेकेंड, RPSC सेकेंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स हमारा जो सेकंड पेपर होता है। तो चलिए, इसके अंदर वेक्टर को एक अलग से चैप्टर के रूप में डिवाइड किया गया है, एक यूनिट के रूप में, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे एक तो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, एक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, उनकी प्रॉपर्टीज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। बेसिकली इस टाइप से हमारा जो टॉपिक का डिविजन है वो किया गया है। ऑल ओवर इन टॉपिक्स जो हमारे हैं, इसके अंदर पूरा वेक्टर जो चैप्टर है हमारा रहता है। ठीक है, तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे आपने 11th 12th में काफी अच्छे से इस चैप्टर को किया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर चैप्टर को। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भाई ये वेक्टर होता क्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको बेसिकली टू कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। कुछ हमारी होती हैं स्केलर क्वांटिटीज और कुछ हमारी होती हैं जी वेक्टर क्वांटिटीज। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, सो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और कुछ हमारी क्या होती हैं जी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटी हमारी वो वाली फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है। या फिर हम सिंपली यहाँ पे देखें तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी की सारी या तो क्या हो सकती है वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है या फिर कोई ये स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ उसका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो वेक्टर के अंदर एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और नेक्स्टली उसकी हमारे पास क्या होती है डायरेक्शन होती है। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटीज में वेक्टर क्वांटिटीज वो वाली होंगी जिसके अंदर हमारे पास उस क्वांटिटी के लिए एक मैग्नीट्यूड होगा, साथ में उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम देखें, स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। सच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड जस्ट बाय दियर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उनके उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल इसके जैसे मास, मास के लिए हम सिर्फ और सिर्फ केजी में लेते हैं, जैसे 10 kg, ये सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, स्पीड की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, कितने किलोमीटर है, टाइम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, इनके साथ उनकी डायरेक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की कोई डायरेक्शन फिक्स होती है, अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स, फोर्स के लिए देखिए एक हमारा बॉक्स है, इस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मान लीजिए 5 न्यूटन हमने इधर से लगाया और 5 न्यूटन हमने इधर से लगाया, दोनों फोर्सेस सेम नहीं है क्योंकि दोनों के डायरेक्शन जो है अलग अलग है और डायरेक्शन मैटर करती है। इसी के लिए ये फोर्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक वैक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, सो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ वैक्टर होती हैं और कुछ स्केलर होती है। फिलहाल इस चैप्टर में हम वैक्टर क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो चलिए चलते हैं आगे। अब सबसे मेन क्वेश्चन तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई डिफरेंस क्या होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में, डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि एक तो इनके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास डायरेक्शंस भी होती हैं, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सॉरी जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होता है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है उनको तो सिर्फ और सिर्फ हम उनके मैग्नीट्यूड को एक नंबर की फॉर्म में और साथ में उनकी यूनिट लिख देते हैं। जैसे अगर हमने लिखना है मास को, ठीक है, अगर मास को लिखना है तो एक न्यूमेरिक डिजिट जैसे 10 और साथ में उसकी यूनिट जैसे केजी में, डिस्टेंस को लिखना है तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, कितना भी हम मतलब जैसे भी है उनका एक नंबर यानी एक मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ उनकी एक यूनिट हो जाएगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, जैसे हम कहें कि मान लीजिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 10 मीटर डिस्प्लेस किया है, लेकिन किस डायरेक्शन में किया है। ठीक है, तो उसके साथ उसका कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस में गया तो जे कैप उसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट के साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, और उसमें पर्टिकुलर क्या होता है, एक यूनिट कैप या एक एरो होता है। ठीक है, ये बेसिकली हम जैसे ही वेक्टर को समझेंगे तो हम उसका नोटेशन भी जानेंगे कि कैसे उसको लिखते हैं। या तो एक कैप लगाया जाता है इसमें या फिर इस टाइप से वेक्टर को दिखाने के लिए एरो लगाया जाता है, जैसे ए कैप या इसके ऊपर एरो लगा दिया। ठीक है, इस टाइप से सिंबल देखिए अगर हम, तो क्वांटिटी सिंबल इज बोल्ड एंड एन एरो
साइन अबव, यानी कि कोई भी होता है उसका बोल्ड साइन होता है और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी सिंबल होता है, ठीक है। सिंपली जैसे फोर्स हो गया, फोर्स नहीं सॉरी, मान लीजिए इसके अंदर हम ले लेते हैं मास, ठीक है। तो सिंपली एक क्वांटिटी सिंबल होता है। डायरेक्शन वेक्टर में होती है, स्केलर में नहीं होती, ठीक है। और वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल्स लिख देंगे, और यहाँ सॉरी वेक्टर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसके एग्जांपल है, और स्केलर में मास और टेम्परेचर इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्लियरली डिफरेंस देखा कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर वेक्टर की नोटेशन की बात करें कि वेक्टर को कैसे हम जो है लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा वेक्टर होता है ना, जिसे मान लीजिए ये है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपली इसका एक लेटर होता है और उसके ऊपर इस टाइप का मतलब एरो लगा दिया जाता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया जी, एक वेक्टर हो गया। इस वेक्टर के अंदर एक तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं हम इससे, ठीक है। ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और इसके साथ कैप लगा करके ये लगा देते हैं, ये होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये तो हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है जी, और ये हमारा हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो बेसिकली वेक्टर्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल विद एरोस, ठीक है। एरोस होते हैं उनके प्लेस्ड अबव देम, ठीक है, उनके ऊपर, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज से थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उनके ऊपर एरो लगा दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए वैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर दिस, ठीक है। ये थोड़ा सा दिखाने में गलत हो गया टाइपिंग में, इस टाइप से ए वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं, इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट और वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है पी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। पी हमारे पास कोई पॉइंट है, और जब भी हम किसी पॉइंट की पोजीशन दिखाते हैं तो वो हम दिखाते हैं जी इसका जो हमारा ओरिजिन होता है उससे, ठीक है, ओरिजिन से इसकी जितने डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये होता है हमारा ओपी वेक्टर, इसे आर वेक्टर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के लिए हम उसका पोजीशन वेक्टर जो बनाते हैं वो उसका ओरिजिन के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले हम दो पॉइंट्स के लिए बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ए और ये बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लगा लेते हैं जैसे x2, y2 और z2, ठीक है। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लगा लेते हैं x1, y1 एंड z1, ठीक है जी। अब इनके बीच में ये जो दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा वेक्टर बनेगा, ठीक है, जो वेक्टर बनेगा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं AB वेक्टर, ठीक है। AB वेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है जी, ये करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली x2 माइनस x1 और ये है हमारा आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है जी। यानी ये x एक्सिस के डायरेक्शन में, ये y एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये z एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। सो सिंपली ये हो गया हमारा ए बी वैक्टर। अगर हमें करना है बी ए वैक्टर, तो बी ए वैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ए में से बी के पोजिशन वैक्टर्स को माइनस करेंगे, ठीक है। सो सिंपली ये हमारा मेथड होता है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट। तो इसके लिए हमें जाना है ओ से पी में, ओ से पी वैक्टर की सॉरी ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाना है। और जब भी हम जानते हैं कि ए से बी में जा रहे हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही हम ओपी वेक्टर लगाएंगे, ठीक है, ओपी वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स में से ओ के कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो, ये हो जाएगा जे कैप, प्लस जेड माइनस जीरो के कैप, ठीक है। सो ये हमारा सिंपली बन गया कि किसी भी पॉइंट के लिए उसका पोजिशन वैक्टर कैसे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यही उसका हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, ठीक है। कोई दो पॉइंट्स के बीच में वेक्टर बनाना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, बी के पोजिशन वेक्टर्स में से ए का पोजिशन वेक्टर जो है वो सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट है ए, ए के लिए पोजिशन वेक्टर हमारा बन जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है। और जो हमारा कोई भी बी पॉइंट है उसके लिए बन जाएगा x2 i कैप प्लस
वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ठीक है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसके पोजीशन वेक्टर्स में से इनको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर, ठीक है जी। चलिए इसके बाद बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हमारे पास कोई वेक्टर अगर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए सिंपली हमने देखा था अभी अभी कि कोई भी जो हमारा वेक्टर होता है उसमें हम कैसे दिखाते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को इससे दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि ये सिंबल जो होता है ये होता है उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसके लगी होती है उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन को दिखाते हैं हम इस सिंबल से और ये होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपली यानी कि ए वेक्टर हमारे पास कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास एक वेक्टर है, इसके लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हमें कर देना है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर और इनका रूट, ठीक है जी। सो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा इसके मैग्नीट्यूड का, और मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली ए से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एरो हमें नहीं लगाना है, ठीक है, तब ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। सो सिंपली किसी भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो सिंपली हम इस मेथड से कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मान लीजिए इस टाइप से है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है। तो इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर का मॉड या जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। तो ये इसका सिंपली मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि कोई भी हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ए से बी तक ये हमारा ए वेक्टर है। अब इसमें से हमें यूनिट डिस्टेंस का एक छोटा इसका टुकड़ा लेना है जिसकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। इसकी डायरेक्शन तो सेम रही लेकिन इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे जिसकी लेंथ या जिस बोले हम डिस्टेंस जो है वो क्या रहे, यूनिट रहे, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या रहे, यूनिट रहे, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस का हमें छोटा सा सेम डायरेक्शन वाला एक वेक्टर लेना है, उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं हम, कोई भी वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, कोई भी हमारे पास वेक्टर है तो उसके लिए ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा ए वेक्टर है उसको इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बनेगा इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम दिखाते हैं ए कैप से, यानी ये सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस जो होती है इसकी, लेंथ जो होती है, सॉरी लेंथ इसकी यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। अगर हम कहें कि ए कैप का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो वो वन होता है, ठीक है। सो ए कैप के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है जी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो ये चीज हमने देख ली है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जी डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है जी। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन हमने यहाँ पर देखा था। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो को हम डी आर से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और डायरेक्शन कोसाइन को हम डी सी से लिखते हैं, ठीक है जी। चलिए देखते हैं डायरेक्शन रेशो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने यहाँ पर देखा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट है ए और बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो एक्स टू वाई टू जेड टू है, ठीक है, और ए पॉइंट के हमारे पास एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, ठीक है जी। अब हमने बनाया यहाँ पर ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ठीक है। सो ये हमारा ए बी एक सिंपली हमारा क्या बन गया, वेक्टर बन गया। अब हमें देखना है कि इसके जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर को हम लिखते हैं इस सिंबल में, ठीक है, दोनों साइड ये सिंबल लगाते हैं और बीच में हम लगाते हैं कॉमास, ठीक है, और सिंपली ये जो होते हैं, ठीक है, इनके जो कोफिशियंट्स, इनको नहीं बोल सकते लेकिन हम एक वर्ड यूज करेंगे कि इनके जो कोफिशियंट्स हैं, ठीक है, यानी कि ये जो एक्स टू माइनस एक्स वन है,
ठीक है, जो वाई टू माइनस वाई वन है, जो जेड टू माइनस जेड वन है, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इनके जो पोजिशन वेक्टर्स होते हैं थ्री डी ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप में कितना इनका प्रोजेक्शन है उन लाइंस पर, एक्स एक्सिस पर इस वेक्टर का कितना प्रोजेक्शन है, वाई एक्सिस पर कितना और जेड एक्सिस पर कितना, तो उनका जो मैग्नीट्यूड हमें लेना है, ठीक है, यही होता है इनका डायरेक्शन रेशो, ठीक है जी। सो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास वेक्टर है, ए वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है, ये है हमारा, तो इसके लिए इसके डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री, ठीक है। सो ये हमारे डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे। अगर हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, देखिए हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं इससे, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या कर रहे थे, रूट कर रहे थे इन सभी का, ठीक है, इन सभी के स्क्वायर्स का, इसकी स्क्वायर कर दी वाई टू माइनस वाई वन, इसकी स्क्वायर कर दी प्लस जेड टू माइनस जेड वन, इसकी भी स्क्वायर कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशो हमने देखा, पेन चेंज करते हैं हम थोड़ा सा, देखिए या हाईलाइट कर लेते हैं, चलिए डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो किसी भी वेक्टर का निकालना हो तो सिंपली ये हमारे पास मेथड रहता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास ये रहता है सिंपली, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, रूट में उनका स्क्वायर कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालना है ये देख लिया, मैग्नीट्यूड हमने पहले ही देख लिया था, और अब हम चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें थोड़ा सा एक न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी, न्यू स्लाइड हमने ले ली है, चलिए। सो हमने देखा था अभी अभी डायरेक्शन रेशो, तो अब हम देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए सिंपली डायरेक्शन रेशोज हमारे आए थे, जैसे मान लीजिए इसे एक शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो ये हमारा आता है सिंपली रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन रेशो हमने देखा था, हम इस टाइप से दिखाते हैं ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री, ठीक है। सो अब हम बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। देखिए सिंपली हमें ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर आई थिंक फेड है, सही कर लेते हैं इसको, चलिए। सो डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर के, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको सिंपली करना क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्शन रेशो की तरह ही लिखना है ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री, लेकिन हर एक को डिवाइड कर देना है इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है जी। इसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है हमारे वो डायरेक्शन रेशोज ही है, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो हमारे डायरेक्शन रेशोज ही हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशोज की लेंथ कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन रेशोज की जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस है, देखिए यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर की तरह है ना, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इस टाइप से है, दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस जो है उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, यूनिट लेंथ होती है, ठीक है जी। तो इनकी लेंथ क्या होती है, यूनिट लेंथ होती है, और यही हम आगे सीखेंगे कि जो डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि डायरेक्शन कोसाइंस हमारे ये है, तो डायरेक्शन रेशोज हमारे कंप्लीट ये वेक्टर है अगर, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो क्या है, एक यूनिट डिस्टेंस के लिए होते हैं, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं या जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो डायरेक्शन रेशोज ही हैं, ठीक है, बट उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, यूनिट लेंथ होती है, क्योंकि उनको हम मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए सो हम कर रहे थे डायरेक्शन कोसाइंस, तो इनके भी हाथ पीले कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के भी हाथ पीले कर देते हैं, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस का
फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, मतलब मेथड, डायरेक्शन को साइन की नोटेशन, लिखने का तरीका, ठीक है। ये हमने लिया डायरेक्शन को साइन, और ये जो हमारे डायरेक्शन को साइंस होते हैं इसको हम कहते हैं एल, इसको हम कहते हैं जी एम, और इसको हम कहते हैं एन। तो सिंपली डायरेक्शन को साइन की नोटेशन अगर हम देखें तो सिंपली ये होती है एल कोमा एम कोमा एन, ठीक है। चलिए, और एक और चीज हमें देखना है कि जो एल होता है यही हमारा होता है कॉस अल्फा, जो एम होता है वही होता है हमारा कॉस बीटा, और जो एन होता है वही होता है हमारा कॉस गामा। अब भाई ये अल्फा बीटा गामा क्या चीज है, ठीक है। तो सिंपली आप देखें, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर हम बनाते हैं। काफी स्पेस हमने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखने में कवर कर लिया है, न्यू स्लाइड लेने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है जी, और ये हमारा कोई पॉइंट है पी, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है पी, ये मान लीजिए कि जो हमारा एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा जेड एक्सेस है, ठीक है। अब मान लीजिए पी जो है वो एक्स के साथ, एक्स एक्सेस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, वाई एक्सेस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सेस के साथ गामा एंगल बनाता है, ठीक है। सो हमने देखा कि जो हमारे डायरेक्शन को साइंस होते हैं एल कोमा एम कोमा एन, ठीक है, किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं वो इनके कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के इक्वल ही होते हैं, ठीक है। ये आपने 12th क्लास में देखा भी होगा, ज्योमेट्री से बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लेके चलेंगे कि जो हमारे डायरेक्शन को साइंस होते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू हमारी यहाँ पर रहती है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ हम आगे भी करेंगे, ठीक है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर्स का एडिशन कर देते हैं तो वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, ये लेते हैं तो इसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस भी हम आज जो है करेंगे। फिलहाल हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रो और लेते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस के डायरेक्शन को साइंस की अगर हम बात करें, देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा एक्स एक्सेस होता है मैग्नीट्यूड तो वन ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन को साइन की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशो की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन रेशो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम देखें कि डायरेक्शन को साइंस की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सेस में सिर्फ और सिर्फ एक्स का फैक्टर होता है, वाई और जेड का फैक्टर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ये वाई है और ये हमारा जेड एक्सेस है, ठीक है। अगर हम वाई एक्सेस के लिए देखें तो यहाँ पर एक्स और जेड का फैक्टर जीरो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई के लिए वन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो x और y का फैक्टर जीरो और इसके लिए बन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस हैं x एक्सिस के लिए। अगर हम डायरेक्शन रेशोज की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज की बात करें तो डायरेक्शन रेशो कुछ भी हो सकता है, a उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी के जो है ये जीरो जीरो रहेंगे, ठीक है। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है और ये हमारे डायरेक्शन रेशोज हैं, थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। दिस वन, यानी कि डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन ही रहता है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम देखें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के लिए देखें तो इसके अंदर एक्स वाई प्लेन के लिए अगर हम देखें तो जेड का फैक्टर जीरो होगा और ये हमारे पास सिंपली हो जाएंगे वन एंड वन, ठीक है जी। डायरेक्शन कोसाइन हम देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स वाई प्लेन के लिए, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ये सिर्फ वन ही होगा, हमें ये सिर्फ ये देखना है कि ये जीरो होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, एक्स वाई प्लेन के लिए देखें तो एक्स और वाई के लिए तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो हमारा जेड है, जेड का फैक्टर यहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है। वाई जेड के लिए देखें तो वाई और जेड तो कुछ ना कुछ होगा, बट यहाँ पर
जो है एक्स का फैक्टर जीरो रहेगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। जेड एक्स के लिए देखें तो जेड एक्स के लिए जेड और एक्स का तो कुछ फैक्टर रहेगा, बट जो वाई है उसका फैक्टर जीरो होगा, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया सिंपली। चलिए इसके बाद हमने डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन्स के बीच में रिलेशन भी देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एक हमारा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन हमारे सामने है। इफ अ लाइन इन स्पेस मेक्स एंगल ए बी सी विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन कॉस अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इज इक्वल टू, ठीक है। सो सिंपल सा एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सिंपल सी बात है, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्री से कि टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है कॉस टू अल्फा का, ठीक है जी। कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला रहता है हमारे पास टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू देखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली कॉस टू अल्फा प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। सेम यही आइडेंटिटी, सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है ये वाला, इसमें अगर हम मान लीजिए इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि यहाँ पर तीन एंगल्स है हमारे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू वन, ये तो गिवन है, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी होती है, तो हमें पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए हमें पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टू ए प्लस वन बाय टू, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस टू बी प्लस वन बाय टू, और कॉस स्क्वायर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस टू सी प्लस वन बाय टू, ठीक है। इन तीनों का हम यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस टू ए प्लस वन बाय टू प्लस कॉस टू बी प्लस वन बाय टू प्लस कॉस टू सी प्लस वन बाय टू, ठीक है, इक्वल्स टू वन, ठीक है। सो ये अलग था, ठीक है, ये अलग था हमारा, और हमने ये सिंपली कर लिया है। अब हम जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, ये टू दोनों तीनों में कॉमन है तो इसको हम इक्वल में ले जाते हैं यहाँ पे, और ऊपर तीन बार वन है यानी कि ये थ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, इसकी वैल्यू हमारे पास सिंपली कितनी आ जाती है जी, माइनस वन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस वन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरीके का हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इतनी वैल्यू तो हमने अभी अभी देखी है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एबीसी एंगल बनाते हैं तो इतने पोर्शन की वैल्यू तो हमारे पास अभी अभी आई थी, माइनस वन होती है, ठीक है। साथ में साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर सी, ठीक है, एबीसी, इनके बीच में भी हमने रिलेशन देखना है। देखिए साइन के साथ कॉस के लिए अगर हम रिलेशन देखें, हमारे पास फिलहाल रिलेशन जो है जिसे हम यूज कर सकते हैं वो हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू वन होता है, ये हमारे पास है, उसे हमने साइन बनाना है। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होती है हमारी सिंपल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जी कॉस स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर से इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी को हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी को हम लिखेंगे प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा थ्री माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू वन। यहाँ से अगर हम देखें साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी,
और अगर हम इसे इधर लेके जाएं और वन को इधर लेके जाएं तो ये सिंपली हमारी वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक है। तो इतने पोर्शन की वैल्यू, कितने पोर्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है टू, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन की हमारे पास वैल्यू माइनस वन है, दूसरे पोर्शन की आ गई टू, तो ये हमारे पास सिंपली वन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत ईजी सा बेसिक सा क्वेश्चन। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ, यहां पर एंड आएगा, ठीक है। द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जो कि सभी एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है, ठीक है। तीनों के तीनों एंगल्स हमारे क्या है, तीनों के तीनों एंगल्स हमारे इक्वल है, ठीक है। एक तो बताना है हमें डायरेक्शन कोसाइन और एक हमें बताना है डायरेक्शन रेशो, ठीक है। तीनों के तीनों इक्वल है, दैट मीन्स उनका जो डायरेक्शन कोसाइन है उसमें तीनों के तीनों जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, चलिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है बेसिकली कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है, तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा बोल सकते हैं इसको इक्वल्स टू वन, यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा यानी कि ये हमारे पास एल आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये जो होते हैं इसी को ही हम एल कोमा एम कोमा एन यानी उसके डायरेक्शन को साइंस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस के फॉर्मेट में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, तीनों के तीनों सेम है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा सिंपली वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है जी। और डायरेक्शन रेशियोज के लिए देखें, डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमें सिंपली ये याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज वो होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड का कोई हमारे पास लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप कहेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज जो है ना इक्वली इंक्लाइंड है, दैट मीन्स उनके तीनों की वैल्यूज सेम होने चाहिए, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज में वन 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 वन, ठीक है, इस टाइप से भी आ सकता है, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो वन होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। किसके लिए, डायरेक्शन कोसाइन के लिए, ठीक है जी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है जी सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आप बेसिकली जो हमारा 2D ज्योमेट्री होती है उसमें भी पढ़ते हैं, 3D ज्योमेट्री होती है उसमें भी पढ़ते हैं, और फिलहाल वेक्टर के केस में भी हम सेक्शन फॉर्मूला करने जा रहे हैं। 2D ज्योमेट्री जो होती है उसमें हम जानते हैं कि मान लो कोई भी हमारा पॉइंट है ए और कोई भी हमारा पॉइंट है बी, ठीक है। मान लीजिए इसको कोई तीसरा पॉइंट है सी जो m रेशो n में डिवाइड करता है, ठीक है। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है कि a और b के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता हो तो हम c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि वो किस रेशो में पूरी लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर a पॉइंट का पोजिशन वैक्टर होगा a वैक्टर, ठीक है, ये होगा b वैक्टर, और नया जो पॉइंट आने वाला है उसे हम c वैक्टर से डिनोट करते हैं, और m और n हमारे सिंपली रेशो है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि उस C वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू बी वैक्टर, m को b वेक्टर से और n को a वेक्टर से, ठीक है जी, प्लस n a वेक्टर और अपॉन हमारे पास हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। ये हो गया इंटरनली डिवाइड करे तो, और एक्सटर्नली डिवाइड करे तब हम कर देंगे m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n, ठीक है। सो सिंपली ये हमारा हो जाएगा अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये अगर करें हमारा एक्सटर्नली, ठीक है जी। और यहीं से हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आ जाता है कि मान लीजिए ए और बी का मिड पॉइंट है सी, ए और बी का बिल्कुल मिड पॉइंट है यानी वन रेशो वन में डिवाइड करता है, ठीक है, सी जो है, तो यहां से सिंपली हो जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर अपॉन टू, यही हो जाएगा हमारा सी वैक्टर का बिल्कुल मिड पॉइंट का फॉर्मूला, वैसा का वैसा हो जाएगा। तो इस पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है जी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यहाँ पर एक और चीज जिसे हम कह सकते हैं, एक और चीज पूछी जाती है रिजोल्व्ड पार्ट, जिसे सीधा पूछ लिया जाता है रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ ए ऑन बी या फिर रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, प्रोजेक्शन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई बी वैक्टर है और ये हमारे पास कोई ए वैक्टर है, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया, ठीक है जी, शेडो,
ठीक है, यानी इस ए वेक्टर की इस बी वेक्टर पर कितनी छाया पड़ रही है, ठीक है, ये इसकी छाया है। मान लीजिए ए वेक्टर एक पेड़ है और इधर हमारे पास सन है, ठीक है, तो सन की कितनी छाया इस पर पड़ेगी, ठीक है, ये हमारा होता है बेसिकली प्रोजेक्शन, ये हो जाएगा ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है, इतना, सिर्फ इतना, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इस ए वेक्टर के प्रोजेक्शन का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम लें तो वो होता है हमारा स्केलर प्रोजेक्शन, और अगर हम इसका क्या ले लें, इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी ले लें, तो वो हो जाता है हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्केलर प्रोजेक्शन में हम डायरेक्शन नहीं लेते और वेक्टर प्रोजेक्शन में हम डायरेक्शन भी लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं किस पर, बी वेक्टर पर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर तो हमें ए वेक्टर ही लेना है, ठीक है, लेकिन इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी का कैप, यानी कि सिर्फ बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए वेक्टर कितना है, ठीक है, ये लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हमें पता है कि स्केलर रहता है, वैसे फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट आगे भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसी स्केलर क्वांटिटी में अगर हम इसकी डायरेक्शन भी कर दें, ठीक है, डायरेक्शन भी दे दें, तो ये हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर, और ये हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है जी, ए का बी पर, ठीक है, बी का ए पर है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और बेसिकली ये हमारा है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और इसी के साथ एक और हमारे पास हो जाएगा दिस वन, ठीक है जी। सो ये हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन हो गया ए का बी पर, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप, यहां पर कैप लगा देते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप अलोंग द वेक्टर जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए ए वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन हमें बताना है जे कैप के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ठीक है। सो हमें बताना है प्रोजेक्शन, सिंपली हमें प्रोजेक्शन दिया हो, ठीक है, सिंपली प्रोजेक्शन दिया हो तो वो हमारा स्केलर वाला होता है, ठीक है। अगर वैसे बोले हमें रिजोल्व पार्ट या वेक्टर प्रोजेक्शन, तब हमें कौन सा करना होता है जी, वेक्टर प्रोजेक्शन करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिंपली स्केलर प्रोजेक्शन बोला हुआ है, क्योंकि सिंपल जो प्रोजेक्शन बोलेगा जिसके साथ कुछ भी लगा के नहीं दिया हुआ, वो स्केलर वाला ही होता है, ठीक है। चलिए, सो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी, ठीक है, सो ए वेक्टर की बी वेक्टर पर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर, बी वेक्टर पर, तो ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। सो बी कैप निकाल लेते हैं हम, बी कैप क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। हम जानते हैं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या आएगा, सिंपली जे कैप ही तो है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपली वन, ठीक है। और बी वेक्टर हमारा क्या है, जे कैप है, ठीक है, सो सिंपली हमारा बी कैप क्या आ जाएगा, जे कैप ही आ जाएगा, ठीक है। और ए वेक्टर हमारा सिंपली गिवन है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जे कैप का, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली हमें पता है जो सेम सिमिलर होता है, जे से जे का, आई से आई का, के से के का, इनका क्या होता है जी, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा जे कैप की स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट वैसे आगे सीखेंगे अभी, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस अलोंग द वेक्टर दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ। यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन में स्केलर प्रोजेक्शन भी बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक आपको वेक्टर प्रोजेक्शन भी इनका बताना है, ठीक है, दोनों के दोनों प्रोजेक्शन आपको सॉल्व करके बताने हैं। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपने को बात करनी है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली एक हमारा वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा हमारा वेक्टर है जी बी वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर दिस और इसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। तो इनके लिए अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है,
इन दोनों वेक्टर्स का हम अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये पहले तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड यानी दोनों के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और साथ में हम लेते हैं कॉस ऑफ उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये हमारा एक सिंपली फॉर्मूला रहता है, अगर हमें उनका मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके बीच में एंगल गिवन हो तब हमारे डॉट प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। व्हाट इफ अगर हमारे पास सिंपली वेक्टर्स गिवन हो, जैसे ए वेक्टर गिवन है हमारे पास, मान लीजिए ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड भी गिवन नहीं है और मान लीजिए उनके बीच में जो एंगल है वो भी हमें गिवन नहीं है, तो सिंपली हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉफिशियंट्स है या माने कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनके जो एलिमेंट्स है इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी आई कैप से आई कैप का, जे कैप से जे कैप के लिए और के कैप से के कैप का ही मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा। तो सिंपली ये हो जाएगा ए इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू और प्लस ए थ्री इंटू सी थ्री। और चूंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है हमारा, डॉट प्रोडक्ट जो होता है तो इसके लिए स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आती है, तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दो वेक्टर्स अगर गिवन हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस टाइप से उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारा जो है दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल गिवन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला सिंपली रहता है, ठीक है जी। सो ये हमने देखा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर हम बात करें इस थीटा पर, इसके ऊपर बात करें कि मैग्नीट्यूड तो इनका कुछ भी हो सकता है, थीटा के अकॉर्डिंग इनके बीच में एंगल के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं कि मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, वही दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, इनको हम जो है कुछ भी एंगल पर रखें, ठीक है, अलग अलग एंगल्स पर रख के देखें तो इनके बीच में इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेरी करता है, ठीक है जी, वो एंगल के साथ वेरी करता है। तो सिंपली अगर हम देखें मेन प्रॉपर्टीज, अगर हम देखें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये या तो हमारा ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या फिर ये हमारा इक्वल्स टू जीरो हो सकता है या फिर ये हमारा लेस देन जीरो हो सकता है, ठीक है। अब ये ग्रेटर लेस कब होता है, देखिए इक्वल टू जीरो होगा, कॉस थीटा इस पूरे प्रोडक्ट को जीरो बना देगा, कब, जब हमारा थीटा जो है वो इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है जब थीटा 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 हमारा जीरो होता है, ठीक है, यानी कि जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों जो हमारे कहीं की जो हमारे वेक्टर्स हैं वो अगर हमारे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, देन हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारा थीटा जो है वो जीरो से 90 के बीच में होगा तब हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर हमारा थीटा जो है वो 90 to 180 के बीच में होता है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल वाला केस नहीं है, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ये केस है, ठीक है, इक्वल वाला केस नहीं लेना होता हमें, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए देन हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सिंपली रहता है ए वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। अगर हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री है यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर हमारा थीटा जो है वो 0 to 90 degree के बीच में होगा, ठीक है, यानी कि 0 to 90 degree के बीच में होगा, इस केस में हमारा जो cos थीटा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है, वन नहीं सॉरी जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा और साइन थीटा 0 to 1 के बीच में रहते हैं, 0 से जो है बड़ा रहेगा, तो उस केस में हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें, 0 to 90 अगर हमारा थीटा 180 के बीच में है, ठीक है, अगर हमारा थीटा जो है 90 to 180 के बीच में, तो cos थीटा जो है ऑलवेज क्या रहता है, लेस देन जीरो रहता है, तो उस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों केसेस हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है हमारा सिंपली कि मान लीजिए कोई दो हमारे वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि थीटा हमें गिवन है सिंपली
ठीक है। और ए वेक्टर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3, और हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। चलिए ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पर, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए। क्योंकि बी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कॉस थीटा अगर हमारा 90 है तो वो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। ओके चलिए चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कब 0 होगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ग्रेटर देन 0 कब होगा ये, इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स में आपने जो है इसका आंसर देना है। ठीक है, सो काफी सिमिलर ऑप्शंस पे यहाँ पर हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखकर और फिर थोड़ा सा आप इसका आंसर दें, ठीक है। सो इनकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, चलिए देखिए सिंपल सी बात, पहली बात कि अगर आप किसी वेक्टर का उसी सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, सेम उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपको पता है कि एक वेक्टर अपने ही मतलब खुद के साथ जो है कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा। सो सिंपली ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और हमें पता है कॉस 0 डिग्री तो भाई 1 होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ही स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये वेक्टर है, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर है, हम इनका इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसका मतलब इनका ही डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, यहीं से हम वापस आ रहे हैं, ठीक है, इसी को हम यूज कर रहे हैं, इसी को हम यूज कर रहे हैं कि मान लीजिए ये दोनों कोई वेक्टर्स का एडिशन है और इनका अगर हम इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर वही वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वही वेक्टर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी हमारी यूज हो जाएंगी, सेम प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है, यानी कि आप a का b के साथ करें या b का पहले a के साथ करें तो ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि अगर a प्लस b इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर अगर हम लें तो सिंपली इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड अगर हम देखते हैं, अगर हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर इसके लिए ये करके देखें तो सिंपली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वही प्रॉपर्टी हो जाएगी, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि भाई हमने इस स्टेप से ये लिया क्यों, तो अभी तो करके आए हैं कि अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है दैट मीन्स वो उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है दैट मीन्स उन्हीं वेक्टर का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपली आएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर, और यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और प्लस में हो जाएगा b वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, a वेक्टर की स्क्वायर और यहाँ रहेगा माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ये हो जाएगा प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास सिंपली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी से एक फोर्थ ऑप्शन भी, फोर्थ हमारा रिजल्ट भी बन सकता है, अगर हम सेकेंड और थर्ड रिजल्ट को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक रिजल्ट बनता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को, ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स हमारे पास क्लियरली बचता है
दो गुणा डबल हो जाएगा इसका, ठीक है ठीक है, ये डबल हो जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों डबल टाइम्स हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास एक और रिलेशन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हमने कर ली हैं। अगर हम सिंपली देखना भी चाहें रिलेशन बिटवीन, भाई कहाँ गया पेन, या अगर हम a प्लस बी के मैग्नीट्यूड में और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन देखना चाहें तो हमारे पास सिंपली ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये भी रिलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल यहीं से क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए हम अपना जो है इसी हमारा जो सेकंड क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी, हमने पहले भी दो चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए हैं और जैसे ही एक बार हमारा थोड़ा सा सिलेबस रनिंग स्टेज में पहुँच जाता है उसके बाद हम इनकी एम सी क्यू सीरीज भी लेकर के आएंगे ताकि काफ़ी प्रैक्टिस हमारी हो पाए। बिल्कुल सेकंड ग्रेड के सिलेबस को देखते हुए ही ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, जो टॉपिक्स बीच में मिस भी होते हैं वो भी हम अच्छे से करेंगे क्योंकि टॉपिक जो है जो जिस चीज़ से रिलेटेड है उसको वहीं से हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है और अलग अलग ग्रुप्स के रूप में हम टॉपिक्स को अच्छे से कर रहे हैं, जैसा जैसा जिसका जिसका चैप्टर जिससे डिवाइड होता है वैसा ही हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड वे में कर रहे हैं, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहें ताकि वीडियोस बनाने का हौसला जो है वो बनता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।